अरे नहीं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, भगवान राम जैसे हैं कि बड़ा अनुकूल वातावरण इस समय, हर्ष और उत्सव का वातावरण है पूरे देश में, हर व्यक्ति प्रसन्न है। आपने विपक्ष की बात की, वो तो कल राम को अस्तित्व नहीं मान रहे थे और अयोध्या में थे ये नहीं मान रहे थे, अब 22 को नहीं किंतु बाद में वो कह रहे हैं हम रामलला के दर्शन को आएंगे, हमको वहां पे दर्शन के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, हमारे राम है, उन्होंने मान लिया हमारे राम, तो यही समझ लीजिए कि राम यही है। तो बहुत एक अनुकूल वातावरण है, उत्सव का वातावरण है, हर व्यक्ति प्रसन्न है और एक चेहरे पे एक ऐसा आनंद है जो छिपाए नहीं छिप सकता। एक तो वो है जो अयोध्या में दिख रहा है, जो नहीं जा सकता अयोध्या उसने अपने घर में ही ये कल्पना कर ली है कि भाई 22 जनवरी को हमारे लिए दीपोत्सव है, हमारे लिए रामलला अयोध्या में, लंबी प्रतीक्षा और हमारे पूर्वजों के तर्पण के बाद, त्याग के बाद स्थापित होने जा रहे हैं, तो उस दृश्य को देखने की उत्सुकता। और जैसे होता है कि आप देखें घर में भी जब प्रसव होने वाला होता है या कोई विवाह संस्कार होने वाला था, उसके पहले जो तैयारियां होती हैं, तो घर परिवार परिश्रम तो करता है लेकिन आनंद के संग आनंद छलक रहा होता है, तो इस समय आनंद छलक रहा है और उत्साह छलक रहा है, लग रहा है कि ये एकदम जैसे अब लंबी प्रतीक्षा के बाद वो दिन आ गया, तो 22 जनवरी को हम सब साक्षी बनेंगे।